ये जो इनका नियत हो गया है, चाहे तो बेईमानी से जीत लेना है। जो वैसे लोग हैं, कूड़ा कचड़ा लोग हैं, जो लोग जा रहे हैं, साफ साफ हो गया, तय करो किस ओर हो तुम, आदमी की ओर या कि आदमखोर हो तुम। लेकिन यह राजनीति के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं है, हम इस परिस्थिति का भी मुकाबला करेंगे। उसे कहूंगा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नहीं। अब गद्दारों की फहरिस्त में लोग खुद को जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता का प्रवचन देने वाले लोगों को यह समझना चाहिए, समझना पड़ेगा कि ये उनके ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है। ये तो शुरुआत हुआ है, अभी तो पूरा खेला बाकी है। ये 11 की संख्या में आएंगे, ये राजद वाले यही तो कर रहे हैं। जो विधायक उधर से इधर आ रहे हैं उसके ऊपर तो आरोपण कर रहे हैं कि ये अवैध संपत्ति अर्जित किए हैं, इसलिए ईडी से डर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं एक और, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन पहुंच रहे हैं। देखिए जो काफिला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो पहुंच रहा है, वहीं दूसरी ओर जो माले के विधायक हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से विधायकों को तोड़ा गया है और उसको लेकर एक और सीएम नीतीश कुमार सदन पहुँच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो माले के विधायक हैं वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और धन बल की जो प्रयोग की गई है उसको लेकर किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, तमाम जो तस्वीर है वो दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच गए हैं और दूसरी ओर जो माले के विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं, वहीं दूसरी ओर विधायकों को जब कहा जा रहा है, जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि तोड़ा गया है, पर एनडीए के लोग हैं जो कह रहे हैं, जो विधायक हैं खुद कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के काम से हम प्रभावित हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से प्रभावित हो गए, इसीलिए हम अपना पाला बदले हैं। देखिए एक और जहां नीतीश कुमार सदन पहुंचे हैं, वहीं दूसरी ओर जो माले के विधायक हैं, जो विपक्ष के विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखने वाली बात होती है कि आगे और भी क्या कुछ होता है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं, जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि और भी लोग टूटेंगे, तमाम जो नेता हैं उनका भी हम आपको बयान सुनवाने जा रहे हैं कि तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है। देखिए अभी जो देख रहे हैं दल बदल कानून बजाबते यहाँ बना हुआ है और उस कानून के खिलाफ ये जो भाजपा वाले इस नियम को तार तार करने का काम कर रहे हैं। भाजपा का अब नियम हो गया, नियत हो गया है कि बेईमानी से जीतो, यदि किसी तरह से कोई विपक्ष जीत गया है तो उसको खरीद लो और यदि नहीं खरीदाता है तो उसको जेल में डाल दो। ये जो इनका नियत हो गया है, चाहे तो बेईमानी से जीत लेना है, नहीं जीतता है वो यदि विपक्ष जीत जाता है तो उसको खरीद लो और नहीं तो फिर जेल में डालो। आप लोगों के विधायक को, आप लोगों पर भरोसा नहीं है तभी तो भाग रहे हैं। हम लोगों का भरोसा है तो ये पूरे लड़ रहे हैं। लेफ्ट वाले लोगों को हिम्मत नहीं है, जो वैसे लोग हैं, कूड़ा कचड़ा लोग हैं, जो लोग जा रहे हैं और अंत में एकदम सीधा सीधी लड़ाई साफ साफ हो गया, तय करो किस ओर हो तुम, आदमी की ओर या कि आदमखोर हो तुम, या तो साफ साफ लड़ाई हो गया है, संविधान बचाने की लड़ाई हो गई है और एक तरफ संविधान खत्म करने की लड़ाई है। संविधान खत्म करने वाले, नियम को तार तार करने वाले भाजपा एक तरफ है और नियम को बचाने वाले एक तरफ है। जो बचे हैं वो लड़ेंगे, बिहार की जनता लड़ेगी, तानाशाही हारेगी। कह रहे हैं कि अभी और विधायक हैं जो जाने वाले हैं, जाएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, एक तरफ हो जाएगा, उसके तरफ जो जाना होगा वो चला जाएगा। आजादी की लड़ाई में यही होता था, आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के तरफ जो जिनको जाना रहता था वो चला जाता था, बाद में लड़ने वाले लोग लड़ रहे थे। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है। अभी बहुत लोग जाएंगे, अब बहुत लोग जाएंगे कि क्या जाएंगे ये तो अभी देखना है क्या। अब आपके विधायक नाराज है तभी तो जा रहे हैं दूसरे दल में। अरे भाई का है ये सब है, वो सब तो जहाँ चल रहा है ये नियमावली के खिलाफ। चलिए प्रेमचंद मिश्रा हमारे साथ, आपके विधायक टूट रहे हैं, तमाम लोगों को इंटेक्ट करने में लगे। इसको टूटना नहीं कहते हैं, एक दो लोग भाग गए कहीं ना कहीं, उनको बीजेपी वालों ने दबाव डाल कुछ किया होगा, ऐसे का खेल हुआ होगा, कुछ और हुआ होगा। लेकिन यह राजनीति के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं है, हम इस परिस्थिति का भी मुकाबला करेंगे। क्या लगता है आपके विधायक हैं जो जा रहे हैं, आखिर वजह क्या होगा? आप लोग धनबल की कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के काम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से हम लोग प्रभावित हो गए। अब जब गया है तो कुछ ना कुछ तो बहानाबाजी करेगा ना, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा रहता तो नीतीश गवर्नमेंट के खिलाफ विश्वास के मत में क्यों खिलाफ वोट किया था, सारे विधायकों ने वोट किया था, चले गए, जो चला गया सो चला गया। हम जितने हैं मजबूती के साथ पार्टी के साथ हैं और पार्टी को फिर से बिहार में मजबूत करेंगे और बीजेपी की चाल को सफल नहीं होने देंगे। कहा जा रहा है कि और भी जो विधायक हैं, और भी विधायक जा सकते हैं।
इन अटकलबाजियों पर ध्यान मत दीजिए, ये सब अटकलबाजी है। सारे विधायक एकजुट, कई विधायक तैयार हैं जाने के लिए, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसी कोई जानकारी है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये दावा है कि 10-11 विधायक अभी और भी आएंगे, खेला भी खत्म नहीं हो, ये केवल टेलर है। ठीक है, उनके बोलने का बारी है, बोलने दीजिए। देखिए हमारी पार्टी इंटैक्ट है, हम इस परिस्थिति का भी मुकाबला करेंगे। आखिर जाने का वजह कुछ पता चला? कोई पार्टी कार्रवाई करेगी? निश्चित तौर से कार्रवाई करेगी, ऐसे लोगों को पार्टी में क्यों रखा है, निष्कासित किया जाएगा, सदस्यता भी रद्द होगी। बिल्कुल बिल्कुल रद्द कराएंगे। चलिए, प्रेमचंद मिश्रा को सुनवा रहे थे कि तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना था उनका, हमने आपको सुनाया। अब जो विधायक दल के नेता है शकील अहमद खान को भी सुनवाने जा रहे हैं कि देखिए शकील अहमद खान जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता है क्या कुछ कहना है उनका, अब उनको भी सुनिए आप। कांग्रेस के दो विधायक कल बीजेपी में शामिल हुए, पार्टी क्या बिहार विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष पार्टी ये डिमांड कर रही है विधानसभा अध्यक्ष से कि ये इन लोगों की सदस्यता निष्कासित की जाए। जो कानून है उस कानून के तहत इनको पार्टी से इनको निष्कासित किया जाए सदन से, क्योंकि उन्होंने उल्लंघन किया है उस कानून का। आप सदस्यता रद्द करने के लिए जाएंगे विधानसभा? जाहिर सी बात है जाएंगे ही, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। पार्टी उनको निकाल रही है, यह अभी तक कोई निर्णय? एकदम तय है, कल ही निकाल दिए गए हैं। और मैं तो आपसे कहूंगा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। शकील जी, कहा ये जा रहा है कि और भी विधायक है वो भी अभी कांग्रेस से, कई और विधायक हैं वो भी टूटने वाले हैं, आरजेडी के भी कई विधायक हैं। ये कयास आराइयों का बाजार गर्म है, कयास आराइयों पर मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं देना चाहता जिसका कोई मतलब नहीं बनता। पहले भी चीजें जब जैसी आएगी उसी तरह के बयान दिए जाएंगे। लेकिन कल देख लिया आप लोगों ने तस्वीर। अब गद्दारों की फहरिस्त में लोग खुद को जाना चाहते हैं, जयचंद मीर जाफर की फहरिस्त में कोई खुद को जाना चाहते हैं, प्रलोभन की दुनिया को आबाद रखना चाहते हैं, और नैतिकता का कोई सिद्धांत नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता का प्रवचन देने वाले लोगों को ये समझना चाहिए, समझना पड़ेगा कि ये उनके ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है। जाहिर सी बात है वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, आपके सामने चिट्ठी भी आ जाएगी। कार्रवाई तय है, वो हम डाल देंगे, आपके सामने फिर आएंगे ना आकर के आप अपनी बात। तो अभी आप शकील अहमद खान को सुने थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, पर बीजेपी से विधायक है पवन जायसवाल, देखिए लगातार जो महागठबंधन के नेता हैं वो एनडीए में जा रहे हैं, और पवन जायसवाल का बड़ा बयान है, आगे और भी विधायक हैं वो शामिल होंगे, तमाम लोगों को सुनवा रहे हैं। सबसे पहले हमने सुनाया महानंद सिंह माले के विधायक है, उसके बाद कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा, उसके बाद शकील अहमद खान, अब पवन जायसवाल को सुनिए कि तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ करें, उनको भी सुनिए आप। ये तो शुरुआत हुआ है, अभी तो पूरा खेला बाकी है, ये 11 की संख्या में आएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है, कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के बेहतर नीति, नीतीश कुमार जी के बेहतर नीति को देख के प्रभावित होके ये लोग एनडीए गठबंधन के साथ आ रहे हैं। इनको पता है कि चलते हुए सत्र में जब विपक्ष के नेता तेजस्वी जी सड़क पर घूम रहे हैं तो इनको मालूम है कि बिहार के विकास में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए ये एनडीए गठबंधन की तरह मुखातिब हो रहे हैं। विपक्ष तो कह रही कि सीबीआई ईडी की वजह से डरा रहे हैं। इसका मतलब है कि इनके लोग यही काम करते थे पहले, गलत काम किए, अपने विधायकों के ये बदनाम करना चाहते हैं। ये राजद वाले यही तो कर रहे हैं, जो विधायक उधर से इधर आ रहे हैं उसके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं कि ये अवैध संपत्ति अर्जित किए हैं इसलिए ईडी से डर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी आ रहे हैं दिल से आ रहे हैं, स्वेच्छा से आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जदयू के नीतियों में विश्वास करके आ रहे हैं। तो अभी आप पवन जायसवाल को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से जो विधायक है जो पाला बदल रहे हैं, जो एनडीए के दामन थाम रहे, महागठबंधन को छोड़ रहे, तेजस्वी यादव को छोड़ रहे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कर रहे थे, तमाम दल के लोगों को सुनवाया, किस तरीके से बयान दे रहे, आप देखने वाली बात होती है। एक ओर से दावा किया जा रहा है, यानी एनडीए से दावा किया जा रहा है कि अभी ये सिलसिला जारी रहेगा, ये टेलर है, पूरा फिल्म दिखाएंगे। अब देखने वाली बात होती है कि अब कौन कौन विधायक हैं जो नंबर में है, कौन कौन विधायक हैं जो जाने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव स्टूडियो, लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।